पाली थाना में आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, कश्यप जयंती एवं ईद उल मिलालुद्दीन भी का त्यौहार आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक में पाली एसटीएम टीआर नाग, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान, व्यापारी संघ अध्यक्ष विमल अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश पालीवाल एवं पार्षद उपस्थित रहे। बैठक में नगर के लोगों ने पाली नगर की मुख्य समस्या अतिक्रमण को लेकर बात कही, जिसको लेकर राजस्व नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन ने तत्काल बैठक को पूर्ण कर सड़क पर लगे अतिक्रमण कार्यों को हिदायत देते हुए चिन्हित स्थान के अंदर दुकान लगाने की समझाइश देते हुए बताया कि यदि समझाइश के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। थाने के पास लगने वाले अघोषित चौपाटी को पुराना सेंट्रल बैंक के समीप दुकान लगाने सभी दुकानदारों को सूचित किया गया है। साथ ही सड़क पर लगने वाले सब्जी व्यवसायियों को सब्जी मंडी में नियमित दुकान लगाने की बात प्रशासन ने कही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये नियम सुचारू रूप से संचालित हो पाता है। बैठक में हमारे पूरे नगर के व्यापारी संघ के लोग, हमारे पूरे नगर पालिका के पार्षदगण, हमारे एसडीएम साहब, थाना प्रभारी और यहाँ के पूरे नगर के लोग उपस्थित थे। और जो इस शहर की व्यवस्था को लेकर के आज हमारे एसडीएम साहब ने भी बहुत एक एक दुकान जाके उन लोगों को हिदायत दी कि आपको जो बोला जाए उसमें आप लोग फॉलो करें, नहीं तो अगली बार कोई ऐसी बात नहीं, कार्रवाई में ऐसी कोई बात आएगी तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरा शहर जाम रहता है। टू व्हीलर से लेकर जो भी पब्लिक यहाँ पे पूरे रोड में दुकान लगा के रखते हैं, उसको एक दो बार पहले भी हिदायत दी गई है, जो लोगों को बिल्कुल भी उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग मदद नहीं की। अब इस बार जो शांति समिति की आज बैठक थी, हमारे पूरे अधिकारीगण थे, थाना प्रभारी, नगर के सभी व्यापारी संघ के लोग थे, हमारे सारे कार्यकर्तागण थे, नगर के सारे लोग इस बात को लेकर के सभी लोगों की सहमत है कि अब जब कभी भी इस बात को लेकर के कोई कार्रवाई होगी तो सभी लोग सहयोग करेंगे। नगर के सभी व्यापारी संघ भी हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं, वो भी हमारा सारा सहयोग के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए आज इस मीटिंग में सभी का सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नगर के सभी लोगों को बोलूँगी, व्यापारी संघ के लोगों को और सभी कर्मचारी। आज ये गणेश चतुर्थी एवं मिलाद उन्नबी के त्यौहार के संबंध में शांति व्यवस्था थाना में बुलाई गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी महोदय, सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ नागरिक गण और व्यापारी संघ और पत्रकार महोदय सब उपस्थित हुए। सभी ने ये प्रस्ताव रखा कि मार्ग व्यवस्था थोड़ा संकीर्ण है, इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इस पर एसडीएम साहब ने बोले कार्रवाई होगी, राजस्व और नगर पालिका पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तारतम्य में आज एसडीएम साहब और नगर पालिका अध्यक्ष और पूरा अधिकारी महोदय सब मंदिर व्यवस्था तरफ आके रोड व्यवस्था देखे हैं और व्यापारियों से अनुरोध किए हैं कि अगले दिन से जो लाइन किसी है उसके अंदर ही दुकान लगाए, बाहर न लगाए, ये निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। थाना के समीप संचालित है, कहाँ स्थापित किए जा रहा, क्या व्यवस्था है? जो पार्टी के लिए अभी तो फिलहाल ये थाना के बगल जो स्कूल है उसी के साइड में लगाने की व्यवस्था की गई है। बाद में सगरा तालाब तरफ प्रपोजल बना रहे हैं कि सगरा तालाब में और मेड़ में लगाया जाएगा, कि चल रही प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों का।